बेशक कुछ चीनी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं, लेकिन चीनी सामान इतना सस्ता होने के पीछे कुछ कारक काम कर रहे हैं। सबसे पहले चीन में एक विशाल विनिर्माण उद्योग है। वे बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, क्योंकि चीन के पास एक विशाल कार्य बल है जो अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में कम वेतन पर काम करने को तैयार है। इसका मतलब है कि श्रम की लागत काफी कम है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है और बचत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। इससे उन्हें अन्य देशों की तुलना में कम कीमत पर अपने उत्पाद पेश करने की अनुमति मिलती है। दूसरा, चीनी सरकार कुछ उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे उत्पादन लागत को और भी कम करने में मदद मिलती है। इससे कंपनियों के लिए चीन में अपने उत्पादों का निर्माण करना और भी आकर्षक हो जाता है। चीनी कंपनियां अपने उत्पाद दूसरे देशों में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत पर बेच सकती हैं, और वैसे भी चीनी मुद्रा का मूल्य अमरीकी डॉलर या यूरो जैसी अन्य मुद्राओं की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि चीनी सामान दूसरे देशों में बेचने पर सस्ता पड़ता है। तीसरी और आखिरी वजह यह है कि चीनी निर्माताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए उन्हें प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी कीमतें कम रखनी जरूरी है। कुल मिलाकर चीन का विशाल विनिर्माण उद्योग कम श्रम लागत, सरकारी सब्सिडी और मुद्रा विनिमय दरें सभी चीनी वस्तुओं को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा किफायती बनाने में योगदान करते हैं। हालांकि यह सस्ते दाम की तलाश कर रहे उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यह अन्य देशों के निर्माताओं के लिए कठिन हो सकता है, जो इन कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आखिर चीन का सामान इतना सस्ता क्यों होता है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।